आम नागरिक की सुरक्षा में सबसे आगे खड़े रहने वाले पुलिस आरक्षकों के क्वार्टर देखने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे देश के पुलिसकर्मी आज भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। ऐसा ही एक नज़ारा खरगोन जिले के सनावद में तब देखने को मिला जब क्षेत्रीय विधायक सचिन बिरला पुलिस जवानों के जर्जर क्वार्टरों का निरीक्षण करने पहुँचे। सनावत के पुलिस थाने के आवासीय परिसर का निरीक्षण विधायक सचिन बिरला ने किया, जहां रहवासी परिसर की जर्जर व दयनीय हालत पर विधायक ने चिंता जताई। पुलिस जवानों के आवास में जाकर उनकी परेशानियों से रूबरू हुए और उन्हें विश्वास दिलाया कि मेरे स्वयं के द्वारा गृह मंत्री बाला बच्चन एवं पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन को इस समस्या का निराकरण करने एवं जल्द नवीन आवास बनाने की रणनीति तैयार करने को कहा जाएगा और शहर की सुरक्षा करने वाले पुलिस कर्मियों को भी चैन से सोने के लिए पक्की छत मिल जाएगी। आपको बता दें कि सनावत थाना प्रभारी राजेंद्र सोनी ने बताया कि विगत कुछ माह पहले भी इन ही जर्जर पुलिस क्वार्टर में एक महिला की करंट लगने से मौत भी हो चुकी है। जर्जर व टूटे फूटे घरों में जवानों का रहना खतरे से खाली नहीं है। जो जवान दिन रात नगर व ग्रामीण क्षेत्रों की सुरक्षा में लगे रहते हैं वह स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। शासकीय क्वार्टर में पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण कुछ जवानों को किराए के मकानों में निवास करना मजबूरी बन चुकी है। रहवासी महिलाओं व बच्चों ने बताया कि छतों के टूटे होने व दीवारों की खिड़की दरवाजों के जर्जर होने के कारण हर वक्त किसी हादसे का अंदेशा बना रहता है, जिसके कारण ठीक से साफ सफाई भी नहीं रख पाते हैं। पुलिस कर्मियों की समस्या का निराकरण जल्द हो सकता है यदि वरिष्ठ अधिकारी पुलिस थाने से घिरी व्याप्त गंदगी व बेतरतीब पड़े कंडम वाहनों को हटा दे तो रिक्त भूमि का सही उपयोग हो सकता है। विधायक बिरला को थाना प्रभारी राजेंद्र सोनी द्वारा समस्याओं से अवगत करवाते हुए जल्द ही थाना परिसर में व्याप्त समस्याओं के निराकरण करवाने की मांग की। सनावत से प्रभु दोगाया की रिपोर्ट। पहले भी एक दुर्घटना हो चुकी है। हाँ, एक दुर्घटना हो चुकी है, उसके बाद भी प्रशासन नहीं जागा। अब मैं ये तो नहीं कह सकता। ठीक सर, मेजरमेंट भरा है, कई बार यहाँ पर मकानों के लिए मेजरमेंट किया गया है, इस बार ये सरकार इसके लिए क्या नई और सुविधा करेगी? हमारे गृह मंत्री बाला बच्चन जी और इसी क्षेत्र से आते हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलकर अनुरोध करूँगा कि इसके लिए कोई बड़ी योजना लाकर या कॉम्प्लेक्स या मल्टी बना दें जिसमें सभी परिवार सुरक्षित रह सकें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।